नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज का सेकंड कॉल है राणा सुगर। राणा सुगर के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, क्या बात है कि भाई शुगर सेक्टरों में तेजी अलग ही देखने को मिल गई। फिर से शुगर शेयरों का ना मूवमेंट बनता आ रहा है। तो राणा सुगर एक पैनी शेयर की तरह ट्रेड कर रहा है, काफ़ी टाइम से एक एरिया के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और ये देखिए स्लो मूविंग है, जिस दिन इसमें तेजी देखने को मिलेगी उस दिन बहुत तेजी देखने को मिलेगी इस शेयर के अंदर, एक झटके में ही बढ़ेगा। क्योंकि ये थोड़ा पेशेंसली, ये शेयर जो होता है पेशेंस को वॉच करते हैं आप लोगों के, पेशेंस के साथ ही सर आपने होल्ड कर लिया ना, और इसमें कैपिटल आपने अच्छी खासी गेन कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो चलिए राणा सुगर के बारे में बात करते हैं। तो राणा सुगर का ये देखिए, मैं कंपनी की वेबसाइट पर, तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, शुगर सेगमेंट में, टेक्सटाइल में भी है, ठीक है, बिजनेस इनका शुगर भी है, टेक्सटाइल भी है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर राणा ग्रुप का। तो बेसिकली राणा सुगर किस किस के वेंचर के अंदर है, राणा सुगर के अंदर वेंचर है अपना शुगर सेक्टर बना, शुगर के अंदर है, थोड़ा एथेनॉल के अंदर है, और तीसरा अपना उसके अंदर क्या बोलते हैं, पावर सेक्टर के अंदर। तीन सेक्टर राणा शुगर के अंदर अंडर में चलते हैं, जिसके अंदर राणा शुगर का जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग है, यानी कि एथेनॉल को लेके गवर्नमेंट तो है, जब भी एथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी तो राणा शुगर का अच्छा खासा एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो उस दिन से इसमें तेजी देखने को आपको ईजिली मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए राणा सुगर का मैंने गूगल पे ओपन कर लिया, तो देखिए गूगल पे क्या चल रहा है इसके अंदर। देखिए आज के दिन ये 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है आज के दिन पे शेयर ये। तो आज ये ओपन होता है 29.40 रुपये का, हाई मारा 29.90 रुपये का, लो मारा 28.35 रुपये का, 52 हाई 38.30 रुपये, 52 लो है 5.95 रुपये का। 5 दिन के अंदर अभी तक ने हमारे को माइनस में 6% रिटर्न दिया, 1 मंथ के अंदर अभी तक ने 13% रिटर्न दिया पॉजिटिव में, 6 मंथ के अंदर अभी देने 21% रिटर्न दिया माइनस में, ईयर टू डेट के अंदर अभी देने 17% रिटर्न दिया पॉजिटिव में। कब से कंपनी है, 1991 से। तो एक तो ट्रस्ट हो गया आपका कंपनी कब से, 1991 से, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये कंपनी भाग जाएगी आज कल में, वो ऐसा कोई बात नहीं है। तो थोड़ा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, उससे पहले हम इसका फाइनेंशियली चार्ट देख लेते हैं। फाइनेंशियली राणा सुगर आपको NSE BSE दोनों मिल जाएगी। तो इसका मार्केट कैप है 4456 करोड़ रुपये का, स्टॉक पी चल रहा है 2.83 का, स्टॉक रिटर्न ROCE चल रहा है इसका 20.4 का, और बुक वैल्यू 27 रुपये, काफ़ी अच्छी बुक वैल्यू है, यानी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है शेयर। और रिटर्न ऑफ इक्विटी इसके 28.5% है, डिविडेंड कंपनी नहीं दिया है, और फेस वैल्यू इसके 10 रुपये की, ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। अब देखिए कंपनी के अंदर पॉजिटिव साइन, देखिए कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना कर्जा खत्म करा है, कर्जा कम किया कंपनी ने, कंपनी का स्टॉक ट्रेड करा 1.06 टाइम ऑफ बुक वैल्यू, कंपनी क्वार्टर क्वार्टर में रिजल्ट अच्छी दे रही है, कंपनी की जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है 5 साल की 38.49% है, मेंटेन रखी कंपनी ने कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ CAGR 38.49% है। तो ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है हमारा। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ मैं आपका। तो देखिए इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 22.64, और FIS की होल्डिंग है 1.86, और DIS की होल्डिंग है 1.68, और पब्लिक की होल्डिंग है 73.81। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से इंटरनेशनली शुगर की डिमांड बढ़ी है, और शुगर की डिमांड के साथ साथ जो हमारे डोमेस्टिक में भी शुगर की डिमांड तेज़ी से बढ़ी हो, तो शुगर के प्राइस हाई हुए, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हर शुगर शेयरों के रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हुआ है। उससे क्या होगा, शुगर के आपका जब भी रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे इनके Q3 के, तो इसमें सारे शुगर शेयरों में तेज़ी देखने को मिलेगी। बलरामपुर धामपुर जो लास्ट 10 दिन पहले 300 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, आज वो 350 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ये भी समझने वाली बात है। तेज़ी सब शेयर में है, और राणा शुगर के अंदर भी तेज़ी है, और मूवमेंट दिखाएगा शेयर आपको। अब चलते हैं शुगर के, थोड़ा सा शुगर का मैंने फाइनल बहुत चलता है इसका टिकट टाइप की साइड पे। तो देखिए टिकट टाइप की साइड पे ज़्यादा कुछ इंडिकेशन हमारे को मिले हैं, लास्ट 2 ईयर से कंपनी अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग चल रही है कंपनी, ठीक है। अब इसके चलते चार्ट पे, तो चार्ट पे क्या चल रहा है वो मुझे देखिए, डेली चार्ट पे एक इंडिकेशन बन के आ रहा है। तो डेली चार्ट पे एक इंडिकेशन था, तो देखिए आज के दिन जो इन्वर्टेड है इसमें हैमर कैंडल बन रही है, तो हैमर कैंडल जो बन रही है, तो हमें क्या करना है, इसमें 28 रुपये का स्टॉप लॉस लेके इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अगर अभी भी आप ऊपर नीचे ऊपर लेवल पर तो भी होल्ड करिए, नीचे लेवल पर तो भी इसे होल्ड करिए, क्योंकि इसमें मूवमेंट बनने की तैयारी दिख रही है। लास्ट इसमें 3 दिन की गिरावट, 4 दिन की गिरावट के बाद अब इसमें तेजी का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये 4 दिन की गिरावट के बाद अब दोबारा से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, आज हैमर कैंडल जो बना रहा है, तो 28 रुपये का स्टॉप लॉस से आप इसे बाय करके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हडल था, देखिए एक हडल बन रहा है बाबा चार्ट के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये 29-30 रुपये के लेवल पर एक हडल बना हुआ है, ये डबल टॉप बॉटम बना हुआ है 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो ये कैंडल है। जब तक ये 30 रुपये के ऊपर ट्रेड नहीं करता इसमें नई हाइस देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से अपना जो पहला टारगेट आने वाला है, वो पहला टारगेट अपना
आज का हाई कितना है, 29.90 रुपये का। यहाँ से जो पहला टारगेट रहेगा अपना 32 रुपये का रहने वाला है। जैसे ही 32, क्योंकि ये जो हर्डल है ना 31 रुपये कुछ का है, तो 31 रुपये की जो भी कैंडल जो बनी हुई है, देखिए ये जो कैंडल है 30 रुपये 31 पैसे की है, 30 रुपये 31 रुपये की है, 30 रुपये 90 पैसे 31 रुपये की कैंडल। जब तक ये हर्डल नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक इस टेरिटरी में शेयर हमेशा फंसा हुआ है, यानी 24 से लेके 30 रुपये के बीच में काफ़ी टाइम से शेयर ने इसी लेवल के अंदर ट्रेड करा है काफ़ी टाइम से। और देखिए ट्रेड करते करते शेयर के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये देखिए 21 डेज़ के एवरेज में अब 100 डेज़ के एमए को क्रॉस करने को तैयार बैठी हुई है। जैसे ही क्रॉस मूविंग होगी तो इसमें और तेजी देखने को मिलेगी। तो 28 का स्टॉप रखेंगे, पहला टारगेट अपना 32 रुपये का, दूसरा टारगेट 35 रुपये का, तीसरा टारगेट 40 रुपये का। देखिए दो टारगेट तो आपको 10 से 15 दिन में देखने को मिल जाएंगे, आपको तीसरा टारगेट आपको 20 से 25 दिन के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये क्योंकि अपना 52 हाई तोड़ेगा तो 40 रुपये का लेवल आपको इजी दिखा देगा 20 से 25 दिन के अंदर। तो ये देखिए जो हर्डल बना हुआ है 31 रुपये के आसपास, जब तक ये हर्डल नहीं टूटेगा इसमें तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और जैसे ही ये 21 डेज 100 डेज के एमए क्रॉस करेगा, फिर ये क्रॉस करेगा 150 डेज के एमए को, तो उसमें और तेज़ी देखने को मिलेगी। देखिए एमए क्रॉस करने जा रहा है तो शेयर के अंदर मूवमेंट बन रहा है, शेयर के अंदर जो गिरावट थी वो खत्म हो रही है। आज के दिन अगर हैमर कैंडल बना के क्लोज होता है तो इसमें और तेज़ी देखने को मिलेगी आपको। तो आज MACD पे भी हमारे को यहाँ पे एक अच्छे खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। RSI हमारा वापस रिवर्सल आ रहा है ट्रेंडिंग की तरफ, तो 62 का RSI दिखा रहा है हमारे को। तो आपको क्या करना है, एक ट्रेड लेके चलना है इसके अंदर। अगर आप ऊपर लेवल से तो भी से होल्ड करें, नीचे लेवल से तो इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट हो तो होल्ड रखिए, तेजी दिखाएगा। क्योंकि 4 दिन की गिरावट के बाद आज इसमें तेजी का दमखम फिर से दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इस लेवल पे आप होल्ड रखिए और फ्रेश बाइंग कर सकते हैं 28 रुपये के स्टॉप लॉस से, तो आपको इसमें अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।